गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर वायुसेना की झांकी में इस बार दो महिला फाइटर भी शामिल होंगी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनन्या शर्मा और फ्लाइंग ऑफिसर आसमा शेख। इनसे बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। गणतंत्र दिवस के मौके पर वायुसेना में भी महिला शक्ति का दम दिखेगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनन्या शर्मा, कैसी तैयारी इस बार जरा बताएंगे, इसमें क्या क्या है इस बार? ये हमारा जो टैबलो है, इस बार का थीम है सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ये तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जो इसका रियर पोर्शन है वो डिपिक्ट कर रहा है सक्षम। इसमें आप देख सकते हैं एक C-130 दिखाया गया है, जिससे हम वो ऑपरेशंस दिखा रहे हैं जो इंडियन एयरफोर्स ने करे थे। C-130 लास्ट ईयर एक ऑपरेशन कावेरी का पार्ट था, जहाँ हमने सुदान कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया था और इंडियन और इंटरनेशनल सिटीजन्स को रेस्क्यू किया गया था। जो बीच का भाग्य है वो दिखा रहा है सशक्त, जो कि डिपिक्ट करता है पावरफुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेजस और एक Su-30 दिखाए गए हैं फ्लाइंग ओवर इंडियन ओशन रीजन। इससे हम अपनी एक्सपैंडिंग रीच दिखा रहे हैं ओवर लैंड एंड सीज ऑल्सो। और यहाँ पे एक G-7 Alpha सैटेलाइट दिखाई गई है, जिससे हम स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करके अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। फ्लाइंग ऑफिसर आसमा शेख भी हैं, महिलाओं की भागीदारी वायुसेना में लगातार बढ़ रही है फाइटर उड़ान। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस बार हमारे पास एक वुमेन कंटिजेंट है जो अग्निवीर वायु वुमेन का है। 55 अग्निवीर वायु वुमेन इस कंटिजेंट का में हिस्सा लेंगे और विमेन फाइटर पायलट हमारे फ्लाई पास्ट में भी भाग ले रहे हैं इस बार। अनन्या, अभी सुखोई फ्लाई करती हैं, तो बीइंग विमेन कुछ अलग लगता है? आपके पापा भी रहे फ्लाई के साथ, कुछ खास? मेरा एक्सपीरियंस बाकी मेल काउंटर पार्ट जो है उन्हीं के जैसा रहा है बिल्कुल। बट हाँ, उड़ाने में बहुत खुशी होती है मुझे, क्योंकि मैंने बोला जैसे कि मेरे फादर को देख के ही बड़ी हुई हूँ मैं, तो टू कम सेम रोल में आने में बहुत खुशी होती है मेरे को। कैसे दी कि वायुसेना में महिलाओं की तादाद बढ़ रही है लेकिन मेल काउंटर पार्ट की तुलना में अभी भी कम है? कोई भी जो चेंज आता है वो धीरे धीरे आता है। एक बार में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जितने मेल है उतने तुरंत उतने ही फीमेल आ जाएंगे, पर ये बहुत बड़ी बात है कि धीरे धीरे जितने वुमेन हम एयरफोर्स में ले रहे हैं वो, जैसे आप देखेंगे, हर साल के साथ वो बढ़ रहा है। और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है और सेम काम करने मिल रहा है, हमारे फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़ को पोर्ट्रे करने का हमें मौका मिलता है। इसके लिए हमें काफ़ी अच्छा फील, गर्व फील होता है। फाइटर पायलट की बात करें तो उसमें क्या टफ चैलेंजिंग आते महसूस होता है? टफ बस अकेडमी में हमारी जैसी ट्रेनिंग होती है वो सबकी सेम ही होती है। एक एयरक्राफ्ट पे उड़ाना और उसको सीखना और ट्रांजिशन करना डिफरेंट एयरक्राफ्ट में, वही चैलेंज है जिसके लिए हमें ट्रेन किया जाता है हमारे सीनियर से, तो फिर वो आसान हो जाता है। तो भाई सी बात है कि वायुसेना में भी महिलाओं का दम दिखेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।